हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU स्टडी कैपिटल। दोस्तों, करंट अफेयर की इस सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं 17 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि BHU स्टडी कैपिटल पर जो BA आर्ट एंड सोशल साइंस का कोर्स लॉन्च किया गया था दोस्तों, उसमें क्लासेस स्टार्ट हैं, स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और दोस्तों हमने इसमें रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन कर रखा है। तो आप लोग हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है जिससे कि हमारे कोर्स में जुड़ने की सारी जानकारी आपको बता दी जाए। कोर्स का जो प्राइस है दोस्तों, अभी भी 1399 रुपये है। तो आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो आप लोग इसी नंबर पर मैसेज करके या फिर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में SKO HH चैलेंजर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार दोस्तों मिला है अर्जुन मुंडा को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, इसलिए आप सभी को जल्द से जल्द सारे क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, मेजर बॉब खातिंग के योगदान को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में एक स्मारक का निर्माण कराया जा रहा है, यानी स्मारक का निर्माण कराया जाएगा? तो यह कराया जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस संगठन को आतंकवादी पदनाम को बरकरार रखा है? तो यह रखा है दोस्तों लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए झांगवी और ISIL सनाई प्रायद्वीप, यानी इन तीनों को रखा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस भारतीय को हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य पुरस्कार के सबसे उत्कृष्ट आदेश से सम्मानित किया गया है? तो यह दोस्तों सम्मानित किया गया चित्रा सुंदरम को। चित्रा सुंदरम को एशिया दक्षिण एशिया के नृत्य के लिए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, हाल ही में पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दोस्तों नियुक्त किया गया है पुर्तगाल में राजपूत मनीष चौहान को। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किस देश ने हिंद महासागर में एक नकली लक्ष्य का युद्ध पोत विरोधी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है दोस्तों? तो यह लॉन्च किया है दोस्तों ईरान ने लॉन्च किया है अभी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश ने आधे देश में भारी ड्रोन युद्धाभ्यास किया है? तो यह किया है दोस्तों युद्धाभ्यास, ये किया है ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजनाथ सिंह ने किस महानगर में विकास प्राधिकरण के लिए ड्राइवरलेस मोटर कार का अनावरण किया है? तो दोस्तों ये किया है मुंबई महानगर में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत की लड़ाकू ड्रोन प्रणाली किस परियोजना के तहत विकसित की जा रही है? तो यह ड्रोन प्रणाली जो विकसित की जा रही है, तो ये कैट्स प्रोजेक्ट परियोजना के तहत विकसित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जल्द से जल्द अपने सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अमेरिकी संसद में दो बार महाभियोग चलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह बने दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप दो बार महाभियोग चलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रंप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों लॉन्च किया है एस बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड के दूसरे संस्करण में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो यह दोस्तों जीता है ओडिशा ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओडिशा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, IFIF 2021 किस महानिदेशक को
काम का जश्न मनाया गया है। तो यह मनाया गया है निर्देशक महानिर्देशक के काम का जश्न मनाया गया है। तो दोस्तों मनाया गया सत्यजीत रे। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी भारतीय फिल्म यानी बॉलीवुड के महान निर्देशक हैं, सभी महान निर्देशक हैं। तो सत्यजीत रे का ये क्या है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में कितनी गेंदों में सबसे तेज़ शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों ये 36 गेंदों में इन्होंने सेंचुरी मारी है T20 में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वीमेन है। दोस्तों अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो हमारे इंडिया के क्रिकेटर रोहित शर्मा ने 35 गेंदों में T20 में सेंचुरी लगाई, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत में पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने विकसित किया है। तो दोस्तों ये विकसित किया है भारतीय सेना और DRDO ने, पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल है दोस्तों, पिस्तौल ASMI को विकसित किया है भारतीय सेना और DRDO ने। कोई अगर मिस्टेक हो जा रही है दोस्तों तो उसके लिए से सॉरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया है। तो यह दिया है दोस्तों दुष्यंत ए दवे ने। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है तो इसलिए चर्चा में है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है, शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तो यह रखा गया दोस्तों बेंगलुरु को, भारत देश के बेंगलुरु को रखा गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु कमानु का त्यौहार मनाया है। तो यह मनाया है दोस्तों तेलंगाना ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आपको डेली बेसिस पे अब हाल ही में करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, डेली बेसिस पे आप सभी को प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछा गया था। अभी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसके बाद आपको बताते हैं कैसे पूछा था। हाँ दोस्तों क्या है कि भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 के मुख्य अतिथि कौन है। तो दोस्तों ये है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, बोरिस जॉनसन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे परेड में। और दोस्तों जो 2020 में आए थे ये ब्राज़ील के आए थे, और ये क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछ ही लिया गया था। तो ऐसा भी क्वेश्चन BHU एंट्रेंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा, TIPC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है संदीप अग्रवाल को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। और मैंने इसका PDF फाइल आप सभी को टेलीग्राम चैनल BHU स्टडी कैपिटल के टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों इस PDF का मैंने आंसर भी लिख रखा है नीचे, तो आप लोगों को आसानी रहेगा पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और जल्द ही आप सभी को डेली बेसिस पे करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, और वो भी दोस्तों आप सभी को बाईलैंग्वल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय।